السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. सूरह सफ आयात 8-9। और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो, और अल्लाह ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। वो चाहते हैं कि वो अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह हर हाल में अपना नूर पूरा करने वाला है, खार काफिर ना पसंद करें। यह खुतबा भी गुज़श्ता खुतबे के वाले सिलसिले की कड़ी है। जिक्र किया चल रहा था कि आजकल जो मौलवी ईसाइयों के साथ मिलकर जमात के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहद हद तक की है और हम किसी कीमत पे ये गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मज़ीद कुछ मालूमात हासिल हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि मौलवी ईसाइयों से नहीं बल्कि ईसाई मौलवियों से खेल रहे हैं, और उसके नतीजे में उनके हाथों में ये एक कलपुर्जे की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दुनिया में ईसाइत पर अहमदियत का गलबा हो। बस इस ज़माने के जाहिल मौलवियों से फ़ायदा उठाते हुए, उनकी अकलों से इस्तेफादा करते हुए वो ऐसी तहरीकात इन्हीं के ज़रिए जारी करवाते हैं जो ईसाई दुनिया में अहमदियत के ख़िलाफ़ रद्दअमल पैदा करने वाली हूँ। इस सिलसिले में मैं जो इख्तबासात आपके सामने पेश कर रहा था उनमें पहले तो इल्ज़ामी जवाबात दिए जाने की वजूहात जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमाई हैं उनका जिक्र करता हूँ। ये वजूहात जो हैं मुख्तलिफ जगह से ली गई हैं, इसलिए बाज़ जगह तकरार भी नज़र आएगी, मगर ये मज़मून बड़ा अहम है। तकरार भी हो तो कोई ना कोई नई बात ज़रूर है जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने इख्तबासात में पेश फरमा देते हैं। फरमाते हैं, इस बात को नाज़रीन याद रखें कि ईसाई मज़हब के ज़िक्र में हमें इसी तरह से कलाम करना ज़रूरी था जैसा कि वो हमारे मुकाबले पर करते हैं। ईसाई लोग दर हकीकत हमारे उस ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते
जो अपने तई सिर्फ बंदा और नबी कहते थे और पहले नबियों को रास्तबाज जानते थे और आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान रखते थे और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई की थी, बल्कि एक शख्स यसू नाम को मानते हैं यानी ईसाई, जिसका कुरान में जिक्र नहीं, और कहते हैं कि उस शख्स ने खुदाई का दावा किया और पहले नबियों को बटमार वगैरह नामों से याद करता था। ये भी कहते हैं कि यह शख्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त मुकज़्ज़िब था। हम ईसाई दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुकज़्ज़िब थे, और उसमें यह भी पेशगोई की थी कि मेरे बाद सब झूठे ही आएंगे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सफ में खड़ा किया जिनके मुतलिक ईसाइयों के बकौल हज़रत मसीह ने झूठों के आने की खुशखबर दी हुई थी। सो आप लोग खूब जानते हैं कि कुरान शरीफ ने ऐसे शख्स पर ईमान लाने के लिए हमें तालीम नहीं दी, बल्कि ऐसे लोगों के हक में साफ फरमा दिया है कि अगर कोई इंसान होकर खुदाई का दावा करे तो हम उसको जहन्नम में डालेंगे। इसी सबब से हमने ईसाइयों के यसू के जिक्र करने के वक्त इस अदब का लिहाज नहीं रखा जो सच्चे आदमी की नस्बत रखना चाहिए। ऐसा आदमी अगर नाबीना ना हो तो ये ना कहता कि मेरे बाद सब झूठे ही आएंगे, और अगर नेक और ईमानदार होता तो खुदाई का दावा ना करता। पढ़ने वालों को चाहिए कि हमारे बाद सख्त अल्फाज का सफ़ा जोड़ सा गया है, इसको देखता हूँ, अभी खुल गया, ठीक है। हमारे बाद सख्त अल्फाज का मिसदाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना समझ लें, बल्कि वो कलमात उस यसू की नस्बत लिखे गए हैं जिसका कुरान और हदीस में नामो निशान तक नहीं। ये इबारत मजमू है इश्तहारात से ली गई है। अम्मा बाद वाज़े हो कि चूंकि पादरी फतेह मसीह मुतय्यन फतेहगढ़ ज़िला गुरदासपुर ने हमारी तरफ एक ख़त नहायत गंदा भेजा और उसमें हमारे सैयद व मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ बिल्लाह ज़ना की तोहमत लगाई और सिवाय इसके और बहुत से अल्फाज बतरीक़े सब व शतम इस्तेमाल किए। इसलिए करीने मसलहत मालूम हुआ कि उसके ख़त का जवाब शाया कर दिया जावे, लिहाजा ये रिसाला लिखा गया। उम्मीद है कि पादरी साहिबान इसको गौर से पढ़ेंगे और उसके इसके अल्फाज से रंजीदा खातिर ना हों, क्योंकि ये तमाम पैराया मियाँ फतेह मसीह के सख्त अल्फाज और नहायत नापाक गालियों का नतीजा है। ताहम हमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शान मुक़द्दस का बहरहाल लिहाज है और सिर्फ़ फ़तेह मसीह के सख्त अल्फाज के अवज़ एक फ़र्ज़ी मसीह का बिलमुक़ाबिल ज़िक्र किया गया है, और वो भी सख्त मजबूरी से, क्योंकि इस नादान ने बहुत ही शिद्दत से गालियाँ आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाली हैं और हमारा दिल दुखाया है। नूरुल क़ुरान। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं, बिलाखिर हम लिखते हैं कि हमें पादरियों के यसू और उसके चाल चलन से कुछ गरज न थी। उन्होंने नाहक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देकर हमें आमादा किया कि उनके यसू का कुछ थोड़ा सा हाल उन पर जाहिर करें। चुनाचे उसी पलीद नलायक फतेह मसीह ने अपने ख़त में जो मेरे नाम भेजा है आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानी लिखा है और उसके अलावा और बहुत गालियाँ दी हैं। बस इसी तरह इस मुर्दार और खबीस फ़िरका ने जो मुर्दा परस्त है हमें इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि हम भी उनके यसू के किसी कदर हालात लिखें, और मुसलमानों को वाज़े रहे कि खुदा ताला ने यसू की कुरान शरीफ में कुछ खबर नहीं दी,
कि वो कौन था, और पादरी इस बात के कायल हैं कि यीशु वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा का नाम डाकू और बटमार रखा, और आने वाले मुक़दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से इनकार किया और कहा कि मेरे बाद सब झूठे नबी आएंगे, बस हम ऐसे नापाक ख्याल और मुतकब्बिर और रास्तबाजों के दुश्मन को एक भला मानस आदमी भी करार नहीं दे सकते चेजाई के उसको नबी करार दें। नादान पादरियों को चाहिए कि बदजुबानी और गालियों का तरीक छोड़ दें, वरना नामालूम खुदा की गैरत क्या क्या उनको दिखलाएगी। इसी तरह हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर मौलवी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन का भी इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये चूँकि मुहर्रम के दिन हैं इसलिए बईद नहीं कि इन्होंने ये मसीह की वाली तहरीक के साथ इसको भी शामिल कर लिया हो, और हमें इल्म है कि ऐसा करते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन की जाती है, हालांकि हम उनको रास्तबाज और मुत्तकी समझते हैं। एतराज़ करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत बेइज्जती की जाती है और उनको गाली दी जाती है, हालांकि हम उनको एक उलुल अज़्म नबी और खुदा ताला का रास्तबाज बंदा समझते हैं। हाँ, अगर ईसा का मर जाना साबित करना उनके नज़दीक गाली देना है तो इस तरह से तो हमने निकाली हैं, और यकीन रखते हैं कि दूसरे नबियों की तरह वफात पा गए हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने वह सवालात किए गए जिनके जवाब आपने दिए। ये सवाल करने वाले मुशीर आला कहलाते थे, हज़रत नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब के भाई थे, और उन्होंने वो एक दिन एक दफ़ा कादियान आए तो उन्होंने ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बात सवालात किए। पहला सवाल, आपकी तरफ से नबी या रसूल होने के कलेमात शाया हुए हैं, और ये भी कि मैं ईसा से अफजल हूँ, और भी तहकीर के कलेमात बाज़ औक़ात होते हैं जिन पर लोग एतराज़ करते हैं। हज़रत अक़दस, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, मैं इन बातों का ख्वाहिशमंद नहीं था कि कोई मेरी तारीफ़ करे, और मैं गोशा नशीनी को हमेशा पसंद करता रहा, लेकिन मैं क्या करूँ जब खुदा ताला ने मुझे बाहर निकाला। ये कलेमात मेरी तरफ से नहीं होते, अल्लाह ताला जब मुझे उन कलेमात से मुखातिब करता है और मैं बिलमवाजह उसका कलाम सुनता हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, लोगों के एतराज़ों और नुक्ताचीनियों की परवाह करूँ या अल्लाह ताला के कलाम पर ईमान लाऊं। मैं दुनिया और उसके एतराज़ों की कोई हकीकत और असर नहीं समझता, लेकिन खुदा ताला को छोड़ना और उसके कलाम से सरगर्दानी करना इसको बहुत ही बुरा समझता हूँ, और मैं उसको छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता। अगर सारी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए और एक मुतनफ़िस भी मेरे साथ ना हो बल्कि कुल कायनात मेरी दुश्मन हो, फिर भी मैं अल्लाह ताला के इस कलाम से इनकार नहीं कर सकता। दुनिया और उसकी सारी शान शौकत जलील कलाम और खिताब के साथ के सामने हीच और मुर्दार हैं, मैं उनकी कभी परवाह नहीं करता। बस कोई एतराज़ करे या कुछ कहे, मैं खुदा ताला के कलाम को और खुदा को छोड़कर कहाँ जाऊँ। और ये बिल्कुल गलत है कि मैं अम्बिया और रसूल या सुलहाए उम्मत की तहखीर करता हूँ, जैसे मैं अबरार व अख्यार का दर्जा समझ सकता हूँ, जैसे मैं अबरार व अख्यार का दर्जा समझ सकता हूँ, और उनके मुकाम गुर्ब का जितना इल्म मुझे है किसी दूसरे को नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब एक ही ग्रोह से हैं, और अल जिन्स व माल जिन्स के मुआफिक दूसरे इस दर्जे के समझने से आ रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असल मुकाम और दर्जा का जितना मुझको इल्म है दूसरे को नहीं है, क्योंकि जौहरी ही जौहर की हकीकत को समझता है।
और इस तरह पर दूसरे लोग ख़्वा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदा करें मगर वो उनके रुतबा और मकाम से महज नवाकिफ़ हैं, और ईसाई ख़्वा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा जो चाहें बना दें मगर उनके असल इतबा और हकीकी मकाम से बेखबर हैं और हम हरगिज़ तहकीर नहीं करते। उन्हीं साहब ने जो मुशीर आला कहलाते थे फिर सवाल किया, ईसाई ख़्वा खुदा बना दें लेकिन मुसलमान तो नबी समझते हैं, इस सूरत में एक नबी की तहकीर होती है हज़रत अक़दस, हम भी हज़रत ईसा को खुदा ताला का सच्चा नबी यकीन करते हैं और सच्चे नबी की तहकीर करने वाले को काफिर समझते हैं। इसी तरह पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी जायज़ इज़्ज़त करते हैं लेकिन जब ईसाइयों से मुबाहसा किया जावे और वो राज़ी नहीं होते जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या इब्नुल्लाह ना कहा जावे, इसलिए जो कुछ उनकी किताब पेश करती है वो दिखाना पड़ता है ताकि कुफ्र अजीम को शिकस्त हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा मसीह मसीह होने का था, इसलिए कैसे मुमकिन है कि जिस शख्स की तमसील होने का दावा करते हैं उसको इंतहाई गंदी गालियां दें। ये महज जहालत है मौलवियों की, वरना इस सवाल ही नहीं पैदा होता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिसकी से मुशाबहत का दावा करते हों उसको इंतहाई गंदा करार दे रहे हों। फरमाते हैं, मैं मसीह इब्ने मरियम की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं रूहानियत की रूह से इस्लाम में खातमुल खुलफा हूँ, जैसे कि मसीह इब्ने मरियम इसराइली सिलसिला के लिए खातमुल खुलफा थे। मूसा के सिलसिले में इब्ने मरियम मसीह माऊद था और मोहम्मदी सिलसिले में मैं मसीह माऊद हूँ, सो मैं उसकी इज्जत करता हूँ जिसका हम नाम हूँ, और मुफसिद और मुफ्तरी है वो शख्स जो मुझे कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम की इज्जत नहीं करता। फिर फरमाते हैं, इस आजिज पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार अपनी गुर्बत और इनकिसार और तवक्कुल और इसार और आयात और अनवार के रूप से मसीह की पहली जिंदगी का नमूना है, और इस आजिज की फितरत और मसीह की फितरत बाहम नहायत ही मुशाबे वाक़ हुई हैं। वह एक ही जौहर के दो टुकड़े, ये एक ही दरख्त के दो फल हैं, और बहद्दी इत्तेहाद है यानी एक हद तक इत्तेहाद है। बहद्दी इत्तेहाद है का मतलब है एक हद तक इत्तेहाद है कि नज़र कशफी में नहायत ही बारीक इम्तियाज़ है और नीज ज़ाहरी तौर पर भी एक मुशाबहत है, और यूँ कि मसीह एक कामिल और इमुशान नबी यानी मूसा का ताबे और खुदाम दीन था। यहाँ खुदाम दीन में गालबन खुदाम दीन में से था की इबारत सारे किताबत से छूट गई है क्योंकि आगे जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी मज़मून को इसी तरह बयान फरमाया कि खुदाम दीन में से था। फरमाते हैं, और मूसा का ताबे और खुदाम दीन था और उसकी अंजील तौरात की फरह है, और ये आजिज भी इस जलील शान नबी के आखिर खादिमीन में से है कि जो सैयद रसूल और सब रसूलों का सरताज है। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद। फिर तबलीग रिसालत में हज़रत मसीह अलैहि सलाम फरमाते हैं, मोहम्मद हुसैन ने इस कत्ल के फतवा के वक्त ये झूठा इल्ज़ाम मेरे पर लगाया है कि गोया मैंने हज़रत ईसा अलैहि सलाम की तोहीन की है, इसलिए मैं कत्ल करने के लायक हूँ। मगर ये सरासर मोहम्मद हुसैन का इफ्तरा है। जिस हालत में मुझे दावा है कि मैं मसीह मौऊद हूँ
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुझे मुशाबहत है तो हर एक शख्स समझ सकता है कि मैं अगर नाऊज़ बिल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहता तो अपनी मुशाबहत उनसे क्यों बतलाता, क्योंकि उससे तो ख़ुद मेरा बुरा होना लाजिम आता है। फिर तिराकु कुलूब में हजूर फरमाते हैं, हज़रत मसीह के हक़ में कोई बेअदबी का कलमा मेरे मुंह से नहीं निकला, ये सब मुखालिफों का इफ्तरा है। हाँ, चूँकि दर हकीकत कोई ऐसा यसू मसीह नहीं गुजरा जिसने खुदाई का दावा किया हो और आने वाले नबी खातमुल अंबिया को झूठा करार दिया हो और हज़रत मूसा को डाकू कहा हो, इसलिए मैंने फ़र्ज़ महाल के तौर पर उसकी नस्बत ज़रूर बयान किया है कि ऐसा मसीह जिसके ये कलमात हों रास्तबाज नहीं ठहर सकता। लेकिन हमारा मसीह इब्ने मरियम जो अपने तई बंदा और रसूल कहलाता है और हज़रत खातमुल अंबिया का मुसद्दिक़ है, उस पर हम ईमान लाते हैं। अल्लाहु अस्सलाम। फिर नज़ूल ज़मीमा नज़ूल मसीह में फरमाते हैं, ख़बीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामलों और रास्तबाजों पर ज़ुबान दराज करता है। मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन जैसे हज़रत ईसा जैसे रास्तबाज पर बदज़ुबानी करके एक रात भी ज़िंदा नहीं रह सकता, और वईद मन आदा वली ली दस्त बदस्त उसको पकड़ लेता है। अब सवाल यह है कि ज़ाहरी तौर पर तो बहुत बदबख्त हैं जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करते हैं और हज़रत ईसा पर भी सख्त बदज़ुबानी करते हैं, तो वो एक ही रात में मर क्यों नहीं जाते। असल में ये रूहानी मज़मून है कि वो मरे ही हुए ही होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, यानी रूहानी लिहाज से वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते। ऐसी गुस्ताखी के बाद अगर वो पहले से मुर्दा हों तो ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, और अगर ज़िंदा भी समझते थे अपने आप को इस गुस्ताखी के बाद एक रात भी ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी रूहानी मानों में। और वईद मन आदा वली ली दस बदस्त उसको पकड़ लेता है, बस मुबारक वो है जो आसमान के मसाले को समझता है और खुदा की हिकमत अमलियों पर गौर करता है। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मकाम है वो मैं आप ही के अल्फाज में पढ़ के सुनाता हूँ। हम इस बात के लिए भी खुदा ताला की तरफ से मामूर हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का सच्चा और पाक रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूवत पर ईमान लावें। सो हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है जो उनकी शान बुजुर्ग के बरखिलाफ़ हो, और अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो धोखा खाने वाला और झूठा है। तो फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के एक बुज़ुर्ग नबी हैं और बिलाशुबा ईसा मसीह खुदा का प्यारा, खुदा का बरगजीदा और दुनिया का नूर और हदायत का आफ्ताब और जनाब इलाही का मुकर्रब और उसके तख्त के नज़दीक मकाम रखता है, और करोड़ हा इंसान जो उससे सच्ची मोहब्बत रखते हैं और उसकी वसीयतों पर चलते हैं और उसकी हदायत के कारबंद हैं वो जहन्नम से निजात पाएंगे। फिर फरमाते हैं, हम नाज़रीन पर ज़ाहिर करते हैं कि हमारा अकीदा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर नहायत नेक अकीदा है, और हम दिल से यकीन रखते हैं कि वो खुदा ताला के सच्चे नबी और उसके प्यारे थे, और हमारा इस बात पर ईमान है कि वो जैसा कि कुरान शरीफ हमें ख़बर देता है अपनी निजात के लिए हमारे सैयद व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से ईमान लाए थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के सदहा खादिमों में से
ایک مخلص خادم وہ بھی تھے. تو جو خدام ہیں کہ لفظ پہلے بیان کیے گئے تھے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تحریر سے ثابت ہے کہ خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے. بس ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں. قرآن پھر فرماتے ہیں, مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے. لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے, یعنی عیسیٰ خدا نہیں ہے. ہاں خدا سے واصل ہے اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سچی پیروی کی جائے تو وہ خدا سے ملانے والے ہیں. فرماتے ہیں, ہم لوگ پادری صاحبوں کے مقابل پر کیا سختی کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح ان کا فرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور عزت مانیں, ایسا ہی ہمارا بھی فرض ہے. ہم لوگ صرف خدائی کا منصب خدا تعالیٰ کے لیے خاص رکھ کر باقی امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صادق اور راست باز اور ہر ایک ایسی عزت کا مستحق سمجھتے ہیں جو سب سچے نبیوں کو دینی چاہیے. پھر فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقدس, بڑے راست باز, بڑے برگزیدہ تھے, اور ان کو خدا کہنا اس سچے خدا کی توہین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سچ یہی ہے کہ وہ انسان تھے, خدا نہیں تھے, اور انسانی کمالات سے بڑھ کر ان میں کچھ نہ تھا. پھر فرماتے ہیں, بس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا, بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا اور چہ جائی کہ وہ خدا یا ابن خدا بنتے. ان کو نبی کے درجے سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت برے درجہ کا آدمی بنا دیا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی, یعنی مسیح کی مسیحائی آنزور نے فرمائی. آنزور نہ آتے تو مسیح زندہ نہ ہوتا یا زندہ نہ رہتا. اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں, مسیح علیہ السلام کی شان میں جس قدر اطراء کیا گیا ہے اور پھر جس قدر ان پر حملے کر کے ان کو گرایا گیا ہے, میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے مسیح علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں. مراد ایک طرف سے خدا اور خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے, دوسری طرف ایسی باتیں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ عام انسان کے متعلق بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ دو حدیں ہیں جن میں انہوں نے دونوں طرف حد سے بڑھ کر قدم اٹھایا ہے, جیسے پینڈلم ایک سمت میں روانہ ہوتا ہے پھر دوسری سمت میں چل پڑتا ہے, تو یہ درمیان میں نہیں ٹھہرے بلکہ پینڈلم کی طرح دونوں کناروں پر ہیں. فرمایا, میں ان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ وہ تھے اس سے دنیا کو اطلاع دینا بھی میرا کام ہے. ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم صدیقہ تھی. یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے, اور پھر یہ احسان ہے اس زمانے کے موعود امام کا کہ اس نے عصر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی.
हजरत मरियम बिलाशुबा पाक थी, मगर कुरान करीम अगर आपको पाक करार ना देता तो आज कौन हम में से इस बात को मानता कि बगैर बाप के एक बेटा उनके पैदा हुआ, या नाउज़ बिल्ला खुदा ताला ने उनसे ब्याह किस्म की एक चीज़ रचाई और खुदा का बेटा मरियम के बदन से पैदा हुआ। ऐसी जहालत की बात है, अगर कुरान करीम इसकी तस्दीक ना करता और इसकी मारिफत बयान ना फरमाता तो हम में से कोई एक भी इस बात को तस्लीम ना करता। तो कितना बड़ा एहसान है जो हजरत मरियम और उनके बेटे पर कुरान करीम ने किया, और कितनी एहसान फरामोशी है ईसाइयों की जो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके माँ बाप पर हमले करते हैं। बस अल्लाह ही इनको समझाए, सिवाय इसके कि हम दुआ करें कि अल्लाह इनको अक़ल दे, हम और क्या कर सकते हैं। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पादरियों की तकज़ीब इंतहा तक पहुँच गई तो खुदा ने हुज्जत मोहम्मदिया पूरी करने के लिए मुझे भेजा। अब कहाँ हैं पादरी तब मेरे मुकाबल पर आवें, मैं बे वक्त नहीं आया। मैं उस वक्त आया कि जब इस्लाम ईसाइयों के पैरों के नीचे कुचला गया। भला आप कोई पादरी मेरे सामने तो लाओ जो ये कहता हो कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशगोई नहीं की। याद रखो वो ज़माना मुझसे पहले ही गुजर गया, अब वो ज़माना आ गया इसमें खुदा ये जाहिर करना चाहता है कि वो रसूल मोहम्मद अरबी जिसको गालियाँ दी गईं, जिसके नाम की बेइज्जती की गई, जिसकी तकजीब में बदकिस्मत पादरियों ने कई लाख किताबें इस ज़माने में लिख कर शाया कर दीं, वही सच्चा और सच्चों का सरदार है। मैं बाज़ यूरोपियन मुसन्निफ़ीन के हवाले से कुछ बातें जाहिर करता हूँ कि हो क्या रहा है। एक यूरोपियन ईसाई मुसन्निफ़ हर्बर्ट गॉट्सचॉक, ये गालबन जर्मन है, वो लिखता है, आज इस्लाम अकायद की इशात के लिए तलवार इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुकद्दस जंग का रुख सिर्फ बाकी इस्तेमारी ताकतों की तरफ है, लेकिन अमन पसंद जमात अहमदिया कुर्रे अर्ज़ के तकरीबन तमाम ममालिक में तबलीगी मुहिमात में मसरूफ़ है। यही जमात है जो मसीहियों को हल्के इस्लाम में खींच लाने के लिए पुरजोर तबलीग कर रही है। हमने कबल अज़ीं मुसलमानों के अंदर मसीहियत की तबलीग में मुश्किलात का जिक्र किया है, अब इस जमात की तबलीगी मसाई का हदफ खुद मसीहियत बन गई है। इस जमात ने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मिशनों के क़याम के ज़रिए मसीह दुनिया में एक रखना ख़्वाह वो कितना ही छोटा हो डाल दिया है। ये कितना ही छोटा उनकी खुशफहमी थी पुराने ज़माने की, अब तो ये रखना इतना बड़ा हो गया है कि बड़ी बड़ी ईसाई सल्तनतें लरज रही हैं। ये जमात मुअस्सर प्रोपेगेंडा का निज़ाम रखती है, तकारीर की जाती हैं, अखबारात शाया किए जाते हैं और रेडियो को अपने ख्यालात की इशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो रेडियो का ज़माना भी चल गया, अब तो माशाल्लाह टेलीविज़न के ज़रिए सब दुनिया को इस्लाम की हकीकत समझाई जाती है और ईसाइयत की हकीकत भी बताई जाती है। हॉलैंड के एक मशहूर पादरी डॉक्टर क्रेमर, जो मशरिक़ बईद के दौरे पर जाते हुए कादियान भी ठहरे और वो अप्रैल 1931 के मुस्लिम वर्ल्ड में लिखते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आम तौर पर मायूसी का आलम तारी है, पर खिलाफ इसके जमात अहमदिया में नई ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं और इस लिहाज से ये जमात काबिल तवज्जो है। ये लोग अपनी तमाम तवज्जो और ताकत तबलीग इस्लाम पर खर्च कर रहे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते। उनका अकीदा है कि इंसान जिस हुकूमत के मतायत हो उससे वफादार रहे, और वो सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि कौन सी हुकूमत के मतहत उनको तबलीग इस्लाम के मौके और सहूलतें हासिल हैं।
और वो इस्लाम को एक मजहबी गुरोह या सियासी नुक्ते निगाह से नहीं देखते बल्कि उसको महज सदाकत और खालिस हक समझ कर तबलीग के लिए कोशां हैं। इस लिहाज से ये जमात फी जमाना मुसलमानों की नहायत अजीब जमात है और मुसलमानों में सिर्फ यही एक जमात है जिसका वाहिद मकसद तबलीग इस्लाम है। इस जमात का असर उसके आदाद व शुमार से बहुत ज़्यादा वसी है। मज़हब में उनका तर्ज इस्तदलाल बहुत से तालीम याफ्ता मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया है और वो समझते हैं कि मुसलमानों में रहते हुए अहमदियों के इल्म कलाम अकलन मानना पड़ता है। इसी तरह एक और इकतबास पेश है। हॉलैंड में अहमदिया मिशन के क्याम के दौरान एक डॉक्टर ह्यूबन ने जमात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का नहायत ही ख़तरनाक सिलसिला शुरू कर दिया और ये कहना शुरू किया कि मुसलमान चूंकि उन्हें मुसलमान नहीं समझते इसलिए ये कौन है इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले। इस पर वहाँ के एक कैथोलिक अखबार M66 ने प्रोफेसर डॉक्टर ह्यूबन को मुखातब करते हुए लिखा कि प्रोफेसर डॉक्टर ह्यूबन का इस्लाम के मुतल्लिक ये लिखना कि वह एक जाबिर और कहार खुदा का तसव्वुर पेश करता है सरासर मुगालता अंगेज है और यह कहना कि इस्लाम में तजदीद व अहया की क़ुव्वत का फुकदान है दूर अज़ हकीकत है क्योंकि खुद जमात अहमदिया तजदीद व अहया इस्लाम का एक जिंदा सबूत है और शायद इसीलिए वो ईसाई उलमा के लिए खौफ हरास का बायस बनी हुई है। फिर लिखता है अहमदियत इस्लाम की मुख्तलिफ शक्लों में से एक शक्ल है मगर यह इस्लाम की एक ऐसी सूरत है जो इस्लाम की नुमाइंदगी करने का पूरा पूरा हक रखती है। इस तहरीक को यकीनन मुखालिफ ख्यालात रखने वाले मुसलमानों की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा है मगर ये बात करने वाले इल्मी रंग में बात करने से तही और कैथोलिक जहनीत की कीमत से नज़र आते हैं जो अपने ख्यालात से इख्तलाफ रखने वालों को काफिर और दायरे मजहब से खारिज करार देते हैं। फिर लिखा है कई बार ईसाइयों ने अहमदियों की तबलीग इस्लाम की कोशिशों को नाकाम करने के लिए मुसलमानों के साथ गठजोड़ किया। बड़ा अच्छा तजिया है। कई बार ईसाइयों ने अहमदियों की तबलीग इस्लाम की कोशिशों को नाकाम करने के लिए मुसलमानों के साथ गठजोड़ किया। ये जो इबारत है ये दरअसल हफ्त रोज़ा नई दुनिया दिल्ली की 26 जून 1974 की इशात में से ली गई है। ये वो अब वो यूरोपियन हवाला नहीं है। वो लिखने वाला लिखता है चूंकि कादियानी मुबल्लिग यूरोप और अफ्रीका में ईसाइयत का जोर तोड़ने में लगे हुए हैं और मिशनरी उनके मुकाबले में आजिज आ चुके हैं इसलिए हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान की खाना जंगी में उनका बड़ा हाथ है यानी अहमदियों का बड़ा हाथ है खाना जंगी में इसलिए कि अहमदियों की वजह से खाना जंगी कराई जाती है ताकि इनके खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जाए और उसके नतीजे में फिर ईसाइयत का पीछा अहमदियों से छूट जाए। ईसाई मिशनरी चाहते हैं कि खुद मुसलमानों के हाथों कादियानी फिरके को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि उनमें ईसाइयों का मुकाबला करने की सकत ना रहे। ईसाई मिशनरी अपने सरमाए के ज़ोर से हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को पता ही नहीं चलता कि उनके नीचे साजिश का बारूद बिछाने वाला कौन है। इसी खबर का हवाला देने के बाद बम्बई के एक हफ्त रोज़ा जदीद उर्दू रिपोर्टर ने अपनी 20 दिसंबर 1984 की इशात में मजीद लिखा ये अजीब बात है कि जमात अहमदिया यूरोप या अफ्रीका में जब कोई तबलीग का अहम काम सर अंजाम दे रही होती है तो पाकिस्तान में ईसाई दुनिया खुद मुसलमानों के हाथों जमात अहमदिया के खिलाफ कोई हंगामा करवा देती है। तो असल शरारत ईसाई दुनिया की है और मौलवी तो इनके अड्डे लगे हुए हैं। मौलवियों में तो अक्सर है ही कोई नहीं बेचारों में।
अब मुख्तलिफ ईसाई चर्चों ने मुख्तलिफ वक्तों में जो बयान दिए हैं, बाद उनमें से मैं आपके सामने रखता हूं। 1969 में एक रिपोर्ट चर्च की तरफ से शाया हुई। इस कमीशन के एक रुकन बर्टिल वाइबर्ग, ये नाम का तलफ़ शायद मैं ठीक ना पढ़ सकता हूँ मगर बहरहाल लिखा हुआ बर्टिल वाइबर्ग है, वो लिखते हैं, ईसा के इब्नुल्ला होने के सिलसिले में जो एतराज़ात अहमदियत की तरफ से पेश किए जाते हैं उनसे ये बात जाहिर होती है कि अहमदिया जमात ईसाइत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। ईसाइत ने जो आलमगीर मजहब की हैसियत अख्तियार कर रखी है, अहमदिया जमात सबसे ज़्यादा उसके दरपाए है और चाहती है कि इस्लाम की कोई अजमत वापस लाई जाए, यानी वो अजमत जो हज़रत, मैं अपनी तरफ से हज़रत दाखिल कर रहा हूँ, हज़रत उसने दूसरे लिखा है मोहम्मद की वफ़ात, मगर जो वो अजमत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से लेकर 100 साल तक इस्लाम को हासिल थी, जबकि मज़हब बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के मुल्कों में जंगल की आग की तरह फैल रहा था और यूरोप में काफ़ी दूर तक पहुंच गया था। दावा तो बहुत बड़ा है लेकिन मुस्तकबिल ही बता सकेगा कि उसमें कामयाबी हो सकती है या नहीं। अहमदिया जमात ने अब तक जो तबलीगी कोशिशें की हैं उनसे तो यही जाहिर होता है कि इनके दावे की पुष्ट पर अमल की ताकत मौजूद है। ये है बामल इस्लाम। अब पादरियों की शिकस्त फाश का एतराफ मैं आपके सामने रखता हूं। 1934 में दिल्ली से पादरियों की शिकस्त फाश का एतराफ जो खुद बाज मुसलमान उलमा ने भी किया है, उनको करना पड़ा है। 1934 में दिल्ली से नूर मोहम्मद साहेब मालिक असाहुल मताबे ने हजरत शाह रफीउद्दीन साहेब और मौलवी अशरफ अली थानवी के दोनों तर्जुमों वाला एक कुरान करीम शाया किया। उसके दिबाचे में साफ और वाज़ेह इकरार किया गया कि ईसाई पादरियों की हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की स्कीम को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अकीदा वफ़ात मसीह से सरासर नाकाम बना दिया और पादरियों को हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक शिकस्त दे दी। ये जो इबारत है ये उनकी इबारत को अपने अल्फाज में बयान किया गया, वरना वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लिखने वाला तो नहीं था। अब मैं असल अल्फाज इस इबारत के पढ़ के आपके सामने रखता हूँ। इसी ज़माने में पादरी लेफ्राए पादरियों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर और फाल्फ उठाकर वलायत से चला कि थोड़े अरसे में तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बना लूँगा। वलायत के अंग्रेज़ों से रुपया की बहुत बड़ी मदद और आइंदा की मदद के मुसलसल वादों का इकरार लेकर हिंदुस्तान में दाखिल होकर बड़ा तलातम बरपा किया। इस्लाम की सीरत व अहकाम पर जो उसका हमला हुआ तो वह नाकाम साबित हुआ, क्योंकि अहकाम इस्लाम व सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम अंबिया बनी इसराइल और उनकी सीरत जिन पर उसका ईमान था यकसां थे। बस इल्ज़ामी और नकली अखली जवाबों से हार गया, मगर हज़रत ईसा के आसमान पर बजिस्म खाकी जिंदा मौजूद होने और दूसरे अंबिया की ज़मीन में मदफून होने का हमला अवाम के लिए उसके ख्याल में कारगर साबित हुआ। अब वो उसके अल्फाज हैं, तब मौलवी ग़ुलाम अहमद क़ादियानी खड़े हो गए और लेफ्राए और उसकी जमात से कहा कि ईसा जिसका तुम नाम लेते हो दूसरे इंसानों की तरह से फौत होकर दफन हो चुके हैं और जिस ईसा के आने की खबर है वो मैं हूँ, बस अगर तुम सआदतमंद हो तो मुझको कबूल कर लो। इस तरकीब से उसने लेफ्राए को इस कदर तंग किया कि उसका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया और इस तरकीब से उसने हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। दिबाचा मौजूदनुमा
मौजूदनुमा कलाम लिखा हुआ है, कलाम हो सकता है लिखा हो, दिबाचा मौजूदनुमा कलाम कुरान शरीफ मुतरजम मतबूआ 1934 सफ़ा 30। अब ये पादरी लेफ्राय की जो शिकस्त है वो यहाँ से भागा अमरीका वापस और फिर उसने अफ्रीका का रुख अख्तियार किया और अफ्रीका में आगे से हज़रत शेख मुबारक अहमद साहब जो मुबल्लिग थे वहाँ वो उसे टकरा गए और तमाम अफ्रीकियों को ये बात याद करा दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, ज़मीन में दफन हैं, और वो सिर्फ ही इतराज़ उठ के कर किया करते थे उसकी तकरीरों में कि किस ईसा की बात कर रहा हो, वो तो दफन होकर ज़मीन में जा चुका है, मर चुका है, मिट्टी हो गया। तो इस वजह से वो इतना तंग हुआ कि अफ्रीका का मैदान भी छोड़कर उसको बहरहाल बिलाखिर वहाँ से भागना पड़ा। तो हज़रत इस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का इल्म कलाम ही है जिसने अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम को ऐसी फजीलत अता फरमाई है और ऐसा गलबा अता फरमाया है कि दुनिया में अब कोई इस्लाम, कोई अहमदी जिसका मुखालिफ उसे गैर मुस्लिम करार देता हो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दलाइल के सामने बिल्कुल हीच हो जाता है और अहमदियत का गलबा बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा। आइंदा सालों में आप देखेंगे कि अभी क्या होने वाला है। मौलवियों को मैं यही कह सकता हूँ कि इब्तदाइश खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा सा पी लूँ मैं ये पानी, वरना जमात की तरफ से एहतजाजी खत आने लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر